बिल्कुल सर, सही बोला आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है जोगिंदर सैनी जी। हमारे प्रोडक्ट रियल में महंगे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और प्रोडक्ट महंगे हैं। इस चीज़ में आपने भी सवाल सही किया, आपने कंपेयर भी किया होगा मार्केट से, लेकिन कुछ बातें हम करते हैं कि मार्केट में हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट मार्केट में दो तरीके से लोग काम करते हैं, जब भी कुछ बेचना होता है, एक होता है आदमी की जरूरत की चीज़ें और एक होती है रोजमर्रा की चीज़ें। जरूरत की चीज़ें मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो जरूरत है मुझे ठीक होने की। दूसरी रोजमर्रा की जिंदगी, मुझे कपड़ा पहनना है या पैंट पहननी है या शर्ट पहनना है, तो ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी। जरूरी नहीं है कि अगर मेरी अच्छी कंडीशन नहीं है तो मैं 1000 रुपये का शर्ट पहनूं, मैं 200 रुपये का पहन के भी काम चला सकता हूं। जूते मैं 5000 की जगह 2000 के पहन के भी काम चला सकता हूं, तन ढकने के लिए मुझे चाहिए। लेकिन जो मुझे बॉडी से रिलेटेड जो शरीर है, ये हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, वो आपके ऑर्गेन्स को ठीक करने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को ठीक करने का काम करते हैं। और हमारी जो बॉडी है ये बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। ये 1000 करोड़ रुपए की इसकी कीमत रखी गई है, जिसकी 1000 करोड़ रुपए भी इसकी कीमत अगर हम बोलें तो कम है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या किया सर, आपने महंगा बोला, सस्ता बोला, आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको डॉक्टर ने बोला घुटने का रिप्लेसमेंट होगा 2.5 लाख रुपए में, उसको डॉक्टर के पास 2.5 लाख रुपए जमा कराने थे और उसके घुटने हमारे 15,000 रुपए के प्रोडक्ट में ठीक हो गए। सर मेरा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। सस्ता है। किसी लेडीज को प्रॉब्लम थी कुछ दिनों से, उसने डॉक्टरों के पास कई लाखों रुपए पिछले 10 साल में खर्च कर दिए और वही लेडीज मेरा 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खा के ठीक हो गई। तो आप मुझे बताइए ये प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? सस्ता। बस कारण एक है, हम लोग इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में हम लोगों में विडंबना है कि हम लोग कभी भी रिजल्ट को नहीं देखते, हम उसके एमआरपी को देखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की कोई कंपनी आज तक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बन पाई। आज भी हिंदुस्तान में हम सोनी, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की कंपनी ब्रांड नहीं बनने का कारण क्या है? यहाँ पे लोग सस्ता चाहते हैं, मैं मानता हूँ सस्ता चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सस्ते के साथ में क्वालिटी भी चाहिए। तो यहाँ क्वालिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज जब तक करेंगे तो आप ब्रांड नहीं बन पाएंगे। आज हम असली पेस वेलनेस की बात करें, पिछले 2.5 साल पहले मार्केट में आई थी और मात्र 2.5 साल के अंदर असली पेस ने अपने आप के अंदर एक क्वालिटी मेंटेन की और उस क्वालिटी मेंटेन करने की वजह से आज इंडिया के अंदर एक ब्रांड बन के उभर के आ रही है, जो कि आप इतनी देर से पिछले देर से समझ भी पा रहे होंगे, देख भी पा रहे होंगे, आपने टेस्टिमनीज भी देखी होंगी। सर आपकी सारी बातें सही है, मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं मार्केट के बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर के जो प्रोडक्ट है उनसे, और आप ये भी कंपेयर कर रहे होंगे, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, सेम इंग्रेडिएंट किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट में भी मिल जाएंगे, और हमारा जो 1500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है वो आपको 500 रुपए में भी मिल सकता है। मैं बोल रहा हूं ये बात, लेकिन सर आप ये सोचिए, इंग्रेडिएंट भी वही, प्रोडक्ट भी वही, उसके बाद आपको 500 रुपये और 1500 रुपये डिफरेंस क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। सर एक चीज़ आप जानते हैं, आयुर्वेद में जो जड़ी बूटियाँ आती हैं वही जड़ी बूटी 100 रुपये किलो भी आती है, और वही जड़ी बूटी 500 रुपये किलो की भी आती है, और वही जड़ी बूटी 1000 रुपये किलो की भी आती है, मानते हैं आप? बस होता क्या सर, जब भी ये प्रोडक्ट बनता है उसके बाद लैब टेस्टिंग के लिए जाता है, तो लैब टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि जो जो आपने इसके अंदर लिखा है वो आइटम इसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो आपका लैब टेस्टिंग में पास हो जाता है, नहीं है तो रोक लिया जाता है। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई लैब नहीं बनी जो ये बताए कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट, जो आइटम डला है वो 100 रुपये किलो वाला डला है या 1000 रुपये किलो वाला डला है। क्योंकि सर रिजल्ट जो आता है वो आता है क्वालिटी से, रिजल्ट और क्वालिटी मशीन नहीं बता सकती, रिजल्ट और क्वालिटी जो बताएगी आपकी बॉडी बता सकती है, ये आपके रिजल्ट बता सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो एक ऐसी चीज जिसको कोई भी मशीन पकड़ नहीं सकती है, इसके अंदर मिलावट को, सोने में मिलावट जो होती है उसको पकड़ा जा सकता है मशीन के माध्यम से, दूध की मिलावट को आप पकड़ सकते हैं लेकिन आयुर्वेद की मिलावट को हम लोग नहीं पकड़ सकते। यहां सिर्फ कंपनी की नीति और नेक नियति से आप समझा जा सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनके रिजल्ट से समझा जा सकता है। सर छोटी सी बात करें, एलोवेरा आपने देखा हो इसमें डला हुआ है, एलोवेरा की 300 प्रजाति है सर। तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी 5 प्रकार की होती है। सफेद मुसली की बात करें, शिलाजीत की बात करें, केसर की बात करें, सफेद मुसली जैसलमेर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में मायना ये रखती है कि जैसलमेर वाली डली हुई है, हिमाचल वाली डली हुई है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। सर एक चीज आपने सुनी है, जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो प्रोडक्ट आइटम हम लोगों को अगर प्राइज वार, मार्केट के जो प्रोडक्ट है उनके अंदर प्राइज वार की लड़ाई होती है, मतलब सारी कंपनियां मार्केट में उस रेट में प्रोडक्ट रखती हैं कि जहां उनकी प्राइस तकरीबन बराबर आ जाती है। हमारा प्राइस वार की हमारी लड़ाई नहीं है,
हम जो काम करते हैं क्वालिटी वार पे करते हैं सर, और क्वालिटी वार पे करते हैं इसीलिए हम माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस तरह से लोगों को बताते हैं, और इसके अंदर प्राइज मायना नहीं रखती, इसके लिए लोग रिजल्ट मांगते हैं। और आज यही कारण है कि आज हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 2.5 साल में प्रूव कर दिया कि आज हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, रिजल्ट प्रोडक्ट बेचते हैं, और हमारे प्रोडक्ट जितने लिए उनकी आज एक नहीं हजारों टेस्टिमनी एज ए प्रैक्टिकल प्रूफ के लिए आपको मिल जाएंगे। सर हम लोग इसलिए हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सस्ते प्रोडक्ट लें, जरूरी यह है कि आप रिजल्ट और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लें। सर एक एग्जांपल हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने 100 रुपए आपकी फीस ली, सर महंगी है या सस्ती? सस्ती सस्ती है, लेकिन आप जिस मकसद के लिए गए आपको ठीक नहीं हुआ, आप ठीक नहीं हुए, तो वो सस्ती हुई या महंगी? महंगी हुई। लेकिन उसी बीमारी से परेशान होके आप शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो 5,000 रुपए फीस लेता है और 5,000 में आपके लीवर या किडनी को ठीक कर देता है, सर वो महंगा हुआ या सस्ता हुआ? सस्ता हुआ। तो महंगा या सस्ता एमआरपी के आधार पे नहीं होता सर, महंगा या सस्ता आपके रिजल्ट और क्वालिटी के आधार पे होता है। लेकिन उसके साथ साथ आज एग्जांपल है हमारे साथ, हिंदुस्तान में पूरे में 25 लेडीजें आज ऐसी हैं जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, और आज हमारे वो गायनोडो को लेकर जिसकी कीमत मात्र 950 रुपये है आज वो माँ बन चुकी। आप मुझे आप बताइए क्या संतान की कोई कीमत होती है क्या? नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं हुआ, हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट और क्वालिटी पे हुआ, इसलिए हम लोग ये हैं कि प्रोडक्ट अगर सस्ता देंगे तो एक बार दे सकते हैं, अगर हम क्वालिटी देंगे तो हम बार बार दे सकते हैं। आपको अगर हमारे साथ हमें जोड़ के रखना और बार बार हमें देना है तो हमें क्वालिटी देनी पड़ेगी, इसलिए सर हम इसको डायरेक्ट सेलिंग और माउथ पब्लिसिटी करके इस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सर आइए हम क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट के साथ हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आपकी सारी बातें सही है, मैं स्वीकार कर लेता हूं कि